यहाँ पर कठेरा में आए हो, क्या देखते हो कि क्या माइनिंग को लेकर यहाँ पर आज एक विजिट किया गया? हाँ, आज हम यहाँ आए कठेरा के इलाके में, और यहाँ एक नाला पड़ता है हमारा खड्ड है, और इसमें कुछ कंप्लेनें आ रही थी कुछ लोगों से इलीगल माइनिंग की, और उसके बाद इलीगल माइनिंग इलीगल डंपिंग की, उसके बाद फिर आज हम आए हम यहाँ मौके पे। हमने कोई तकरीबन छः जगह पे जो छः लोकेशन है वहाँ विजिट किया है, छः लोकेशन पे हमें डंप मिला, कुछ छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो एक दो डंप हमने मेजरमेंट भी कर दी एक दो की, तो बाकी कुछ हम कल सुबह आएंगे, अभी इस समय रात हो रही है, तो सुबह कल आके हम बाकी की डंप, बाकी लोगों से बात हो गई है, लोग मान गए हैं कि जो भी इलीगल हमने किया है आप इसकी कार्रवाई कर दो, जो भी आपसे होती है तो कानूनी कार्रवाई कर लो। अभी यहाँ काफ़ी सारे लोग भी आए थे, तो हमारी इनसे भी बात हुई कि आप कल सुबह आके जो भी आगे की कार्रवाई है सारी कर दो, हम इसके लिए कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने गलत किया जो इसमें गलत है, कानून के अदारे में गलत है, तो हम उसकी पेनल्टी भरने को तैयार। सर, आगे भी माइनिंग को लेकर इस तरह की डीएम ऑफिस की तरफ से क्या इसी की तरह से जो है इस पर इलीगल माइनिंग? निकेल हमने कसी है, जैसे जो हमें लगता है, और खासकर बरसात के मौसम में और पहले भी हमने काफी हर जगह पे अपनी नजर रखी है, और हमारे गार्ड्स हर जगह हैं, हर नाले में हैं, और लोकल लोग भी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोकल लोग भी कंप्लेन कर देते हैं जहां भी कोई माइनिंग होती है, लेकिन और हम इमीडिएटली 10-20 मिनट में स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, और आज तक हमने तकरीबन इस महीने एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 35 गाड़ियां हमने सीज कर दी हैं, 35 गाड़ियां और 10 बड़ी बड़ी मशीनें, जो बड़ा बड़ा माफिया था हमारे, तो उनकी बड़ी बड़ी मशीनें थी वो भी हमने 10 मशीनें सीज कर दी हैं, और 25-26 लाख का पेनल्टी भी डाल दी है जो हम, और जो हमने ले भी ली है पेनल्टी लोगों से, तो ये हमारा अभियान चल रहा लगातार, और हमने बड़ा सख्ती से यहाँ मतलब जो भी इलीगल माइनिंग है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं सख्ती से, और आगे भी इसी तरह से हमारा सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है सर, बताएंगे डीएमओ साहब ने कठेरा में यहाँ पर विजिट किया है, किस तरह का जो लोकल्स का भी उनके प्रति यहाँ पर क्या लोकल्स ने सपोर्ट किया है जो माइनिंग इलीगल माइनिंग लगातार यहाँ पे हो रही है? मेरा सब ऐसा है कि हमारे जो कुंबरी कठेरा का इलाका है यहाँ पे ट्रैक्टर वाले जो लड़के हैं जिन्होंने लोगों ने ट्रैक्टर डाले हुए हैं वो अपने घर के लिए या कहीं अपने पर्सनल के लिए उन्होंने रेता इकट्ठा किया हुआ था, जैसे किसी ने 4 ट्रलियां कर लिया, 8 कर लिया, 10 कर लिया, तो इस तरह उन्होंने रेत इकट्ठा की हुई थी। इसी के पीछे किसी ने डीएमओ साहब को शिकायत की हुई थी कि वहां पे बड़ा ज्यादा सैंड माफिया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो डीएमओ साहब यहां पे आए हुए थे कि उनके सीज करने के लिए, तो हमने कहा कि सर 10-10 ट्रालियां, कहीं पे 12 ट्रालियां होगी, इससे ज्यादा कहीं माल नहीं आया, तो अलग अलग जगहों पे 5-7 जगहों पे लड़कों ने किया होगा कहीं, तो हमने इनको कहा भी सर आप जो हो सकता है अगर लीगल तौर पर अगर आपको हो सकता है तो आप पेनल्टी कर सकते हो 1000, 2000, 4000 और क्या दे सकते हैं आप, सर खुद देख लो मेरा साहब, आप जितने छोटे छोटे लड़के हैं आज आपको पता है नौकरी का कोई जुगाड़ नहीं है, जितने भी लड़के रेता भरते हैं कि कोई प्लस टू है, कोई बीए है, कोई एमए है, ठीक है ना, आपको पता है अभी आज नौकरी का कोई किसी को भी नौकरी तो कहीं नौकरी नाम की तो चीज ही नहीं है, तो अगर कोई लड़का अगर बीए करके एमए करके इस दरिया में कोई रेता भर रहा है तो इतना तो उनका तो जिस वो भी चला गया है, पैर भी उनके गिर चुके हैं वहां से रेता भर भर के, तो मैं समझता हूँ कि कोई इनलीगल तो कुछ है नहीं है, पंचायत का रेता है, पंचायत में है, जैसे मैं आज डीएमओ साहब यहाँ मौके पर आए थे, क्या गाड़ियां सीज की गई है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा किया है कि उन्होंने कहा कि जहां जहां आपका रेता है जितना है आप वहां पे रहने दो, कल हम देखेंगे उसको, अगर जिसको कहीं पेनल्टी पड़ती होगी उसको हम वहां पे पेनल्टी करेंगे, लेकिन हमने एज ए रिक्वेस्ट डीएमओ साहब से ये कहा कि सर जहां पे कोई माफिया वाला कोई काम नहीं है, पंचायती तौर पर लोग अपने घर के लिए घरेलू कोई कहता है अगर किसी को कोई बेचारा कहीं 1-2 ट्राली कहीं आस पड़ोस में बेच देता होगा, ऐसा ही कुछ काम है, कुछ ज्यादा बड़ा कोई काम किसी का है नहीं है, लोकल लड़के हैं इन्हीं की, हमारी जमीनों के आगे जमीन है, ठीक है ना, तो हमने एज ए रिक्वेस्ट उनसे ये ट्रैक्टर पर्ची काटी जाती है,
जी ट्रैक्टर पर्ची काटी जाती है अगर एक दो ट्राली का अगर लेते हैं लोग जहाँ पर तो? जी नहीं, जहाँ पे पर्ची वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या देखते हैं ये इलीगल माइनिंग नहीं है फिर इसके बाद? देखो ऐसा है कि अगर कोई बाहर जा रहा है, अगर कोई बाहर जा रहा है बेचने के लिए, तो जहाँ पे बैठे होते हैं माइनिंग वाले जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, वो सभी लोग 500 रुपया ले रहे हैं पर 100 फीट का। आप सब देखो कि अगर 500 रुपया वो ले रहे हैं, एक ट्राली वाला अगर 2 सैकड़ा रेता लेके जाएगा 1000 तो वो उनको पे करेगा, ठीक है ना। तो 2-3 हजार रुपये क्रशर वाले बेच रहे हैं। अब देखो गरीब बंदा जिसने जिसको कहीं मोदी साहब ने दे दिए 1-1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए 2 कमरे के लिए, वो 3000 रुपया पर सैकड़ा रेता कहाँ से लाएगा? आप सोचो उसको तो 7-8 हजार में 10 हजार में ट्राली पड़ेगी 2 सैकड़ा माल। तो बस लोकल लोगों ने अपने घर के लिए घरेलू काम के लिए रेता इकट्ठा किया हुआ। तो हमने सर को यही रिक्वेस्ट किया भी सर आप देख लो, अगर आपको लगता है भी कहीं कुछ ज्यादा है, अगर 10-15 सैकड़े से आपको लगता है किसी का 50 सैकड़े किसने किया, तो सर आप उसको अपने हिसाब से पेनाल्टी उनसे भर सकते हो। बस ये बात हमारी डीएमओ साहब से हुई है। बाकी मैं सर ये बात आपके आगे रखना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ ये जो हमारा एरिया है प्लाम उड़ के ब्रिज के ऊपर, ये तो बड़े सारे लोगों की पर्सनल लैंड है, बड़े सारे लोगों की पर्सनल लैंड है, उससे ऊपर है जो फॉरेस्ट लैंड है, वहां से फॉरेस्ट लैंड वाले लेने नहीं देते हैं। रेता अगर कोई लाता है तो बड़ी मुश्किल से अपने घर के लिए लाता है, वो भी अपनी जमीनों के आगे से उठा रहा है, कोई बाहर से कोई ला ही नहीं रहा है। कोई इक्के दुक्के बंदे हैं जो काम भी कर रहे हैं, पैसा भी खाते हैं, ट्रैक्टर वालों से जबरदस्ती वो पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। हमारे लोकल बंदे इधर से वो कहते हैं ट्रैक्टर वालों को, यार आप माइनिंग वालों को नहीं दो, हमें दो 500 रुपया 1000 रुपया दो। तो वो मुझे लग रहा है इलीगल तो वो कर रहे हैं, वो मांगते हैं, जो लड़के बेचारे नहीं देते हैं वो शिकायत कर देते हैं डीएमओ साहब के आगे, उनको परेशान करते हैं, सर वहां पे इलीगल माइनिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब देख लो सड़कों पे तो दिन ब दिन रात चल रहा है, काम चल रहा है, ये तो बेचारे अपने घर के लेके जाते हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप देख लो, जो बच्चे बेचारे काम कर रहे सभी पढ़े लिखे हैं, आप हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने डिपार्टमेंट से अपने से इन्हें इन पे रियायत की जाए, जो अपने घरों के बाहर से अपनी लैंड के बाहर से जमीन उठाई अपने माल उठाते हैं। बाकी अगर फिर भी है, अगर डिपार्टमेंट को शिकंजा कसना है इन पे, तो डिपार्टमेंट आए एक बार जहां पे लठा लगा के देख ले कौन सी जमीन कौन सी है, तो वो उनको मना कर दे, जो बंदा उसको इंटर करेगा उसको खुल कर ये लोग जुर्माना भरे उसे। जी।